To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दी जाएंगी तीन छोटी छोटी पजल्स। पजल को देखना है, एक या दो मिनट का वक्त लेना है, उत्तर देना है, उसके बाद आप मेरा उत्तर देखें। ये समझ करके चलिए कि ये पजल्स आपकी सोच की परीक्षा है। कहीं कहीं पर लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिखें। कहीं कहीं ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लें। लेकिन सॉल्व अपने से करें, उसके बाद ही उत्तर देखें। तो चलिए देखते हैं पहली पजल। पहली पजल है ए इंटू ए बी इंटू बी से बड़ी संख्या है। क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी से बड़ा होगा ही? सोचिए, वक्त लीजिए, एक मिनट। मेरा उत्तर बताऊं? नो, ये जरूरी नहीं है कि ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों के निगेटिव वैल्यूज हो। मान लेते हैं ए का वैल्यू है -4 और बी का वैल्यू है -3। ए बी से छोटा है, लेकिन ए इंटू ए हो जाएगा +16, -4 इंटू -4 +16 एंड -3 इंटू -3 विल बी +9। ए इंटू ए 16, बी इंटू बी 9। 16 9 से बड़ा है, लेकिन -4 -3 से छोटा है। देखते हैं दूसरी पजल। दूसरी पजल है ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटू बी विल बी ग्रेटर देन 1? ए और बी को गुणा करें तो उत्तर हमें एक से ज्यादा ही मिलेगा। सोचें, मेरा उत्तर है नहीं, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। यदि ए और बी फ्रैक्शंस में हैं, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एक से बड़ा नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं पजल 3। तीसरी पजल में दो लोग हैं, दोनों सड़क पर चलने वाले लोगों की गिनती कर रहे हैं। दोनों में से एक घर के दरवाजे पर खड़ा है और गिन रहा है, और दूसरा एक तरफ जाता है और फिर वापस लौट करके आता है। आपने बताना है दोनों ने रोड से पसार होने वाले लोगों को एक घंटे तक गिना। किस व्यक्ति ने ज्यादा गिना? उसने जिसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के गिनती की, या उसने जो सड़क पर आना जाना कर रहा है? दोनों ने गिना एक घंटे तक, याद रखिए। किसने ज्यादा गिना? दोनों बराबर संख्या गिनेंगे, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा होकर के जो गिनेगा, सड़क के दोनों बाजू चलते हुए लोगों को गिनेगा। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी सोच की गति बढ़ेगी। सोच की गति बढ़ने के साथ साथ हम अलग अलग दिशाओं में सोच पाएंगे। किसी भी समस्या को हम चारों तरफ से, चारों बाजू से देख पाएंगे। वी विल बी एबल टू सी ऑल साइड्स ऑफ एन इश्यू। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह विभिन्न कुशलताओं को विकसित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।